हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेज वंदा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर नहीं भी अच्छे हैं तो आज की ये वीडियो देख के आप डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। सो गाइस, मैंने लोटस हर्बल्स की एक फेशियल किट बाय की है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करूँ और आपको बताऊँ कि ये किट कैसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले ब्रांड का नेम है लोटस हर्बल्स, उसके बाद लिखा है रेडियंट डायमंड, वर्क्स फ्रॉम विद इन फॉर इंस्टेंट रेडियंस, सेलुलर रेडियंस फेशियल किट ऑल स्किन टाइप्स, मतलब हर तरह की स्किन को ये सूट करेगी। और गाइज, मैं आपको बता दूं कि ये किट मैंने बाय की है फर्स्ट ट्राई से। जी हाँ गाइज, अभी फर्स्ट ट्राई से सिर्फ आप अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने लिए भी कुछ भी बाय कर सकते हैं। ऑलराइट गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी सेम लिखा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्कवर व्हाट्स इनसाइड एंड फोर इजी स्टेप्स फॉर इंस्टेंट रेडियंस। चलिए इस बॉक्स के अंदर देखते हैं क्या क्या। पहले मैं आपको प्राइस भी बता देती हूँ। प्राइस है 325 रुपीज़, ठीक है। 325 रुपीज़ में ये हमें वन टाइम फेशियल किट मिलती है। सो गाइज, यहाँ पे मैंने फेशियल किट को ओपन कर लिया है और पाउचेस को हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4, ठीक है। इस तरीके से छोटे छोटे पाउचेस के अंदर हमें प्रोडक्ट रिसीव होता है, इसे यहाँ से आप इजीली ओपन कर सकते हैं। और गाइज, मैं आपको बता दूँ कि ये जो फेशियल किट है ये मैंने थर्ड टाइम बाय की है इस बार। ये काफ़ी अच्छी फेशियल किट है। जैसे गाइज, कुछ सालों पहले क्या होता था कि जैसे हमें कहीं जाना है जहाँ हमारा खुद का कोई स्पेशल डे है, तो हम 3 दिन पहले फेशियल करवाते थे और उसका जो ग्लो था 3 दिन बाद आता था। लेकिन आजकल मार्केट में ऐसे ऐसे फेशियल किट्स अवेलेबल हैं जिसे यूज़ करने के आधे पौने घंटे के बाद ही आपको काफ़ी अच्छा ग्लो मिल जाता है और आपकी स्किन मेकअप के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाती है। सो गाइज, ये फेशियल किट भी ऐसी है, आपको कहीं भी जाना है आप सेम डे इस फेशियल किट को यूज़ कर सकते हैं और आपकी स्किन पर इंस्टेंट ग्लो आ जाता है इस फेशियल किट के साथ। काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन को ये हाइड्रेट करती है, मॉइस्चराइज करती है और आपकी स्किन को मेकअप के लिए प्रेप करती है। गाइज, जब ये फेशियल किट मैंने फर्स्ट टाइम बाय की थी, इसका रिजल्ट देख के मुझे इतना अच्छा लगा था ना, उसके बाद जब मैंने इसे सेकेंड टाइम बाय किया तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि कहीं ये ना हो कि फर्स्ट टाइम क्या होता है, कई बार कोई प्रोडक्ट हमें ऐसे ही अच्छा लग जाता है लेकिन उसके बाद हम सेकेंड टाइम उसे यूज़ करते हैं हमें नहीं अच्छा लगता। लेकिन सेकेंड टाइम जब मैंने इसे यूज़ किया तो मतलब इसने मुझे इतना अच्छा ग्लो दिया, तब मुझे लगा कि अब तो ये फेशियल किट मेरी फेवरेट हो गई है और जब भी मैं बाय करूँगी यही फेशियल किट बाय करूँगी। तो इसलिए गाइज, थर्ड टाइम मैंने इस किट को बाय किया है। गाइज, अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपको इस किट को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले आपको ये स्टेप 1 वाला पाउच ले लेना है, इसे ओपन करना है और अपने फेस और नेक पे आपको स्क्रब की मसाज करनी है। और उसके बाद गाइज, या तो आप मॉइस्ट कॉटन के साथ अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं या फिर आप अपने फेस को वॉश भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 2, इसमें है एक्टिवेटर। इसके आपको 5 to 7 ड्रॉप्स अपने हैंड पे लेने हैं और 2-3 मिनट्स के लिए आपको अपने फेस और नेक पे मसाज करनी है और बिना वाइप किए आपको आ जाना है स्टेप नंबर 3 पे। उसके बाद आपको अपने हाथ पे ये जो क्रीम है ये हाफ ले लेनी है। काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है, आपको दिख रही होगी, जैसे ये थोड़ी कम क्वांटिटी में है, ये ज़्यादा क्वांटिटी में है। हाफ क्रीम आपको अपने हैंड पे ले लेनी है और अपने फेस और नेक पे आपको 5-7 मिनट्स के लिए मसाज करनी है। उसके बाद जो बाकी की क्रीम है आपको वो ले लेनी है। मसाज क्रीम लिखा है वैसे यहाँ पे, मैं इसे क्रीम बोल रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर फेशियल किट्स में मसाज क्रीम ही आती है, इस पर क्रीम लिखा है, ठीक है। उसके बाद जो बची हुई क्रीम है आपको वो ले लेनी है, उसके साथ अगेन 5 से 7 मिनट फेस और नेक पे मसाज करनी है और अगेन आपको एक मॉइस्ट कॉटन के साथ इस क्रीम को अपने फेस और नेक से क्लीन कर लेना है। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 4, इसमें है मास्क। ये जो मास्क है गाइस, ये रेडी टू यूज़ मिलता है आपको, इसे आपको कुछ भी नहीं करना होता है। ऐसा नहीं है कि पानी या रोज़ वाटर वगैरह डाल के आपको बनाना है, ऐसा कुछ नहीं करना, ये रेडी टू यूज़ मास्क होता है। इसे अपने फेस और नेक पे अप्लाई कर लेना है जब ड्राई हो जाए। तो गाइस, आपको मॉइस्ट कॉटन की हेल्प से इस मास्क को अपने फेस से उतार लेना है। उसके बाद आप सिंपल पानी के साथ अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए और हल्के हाथों टॉवल के साथ आप क्लीन कर लीजिए अपने फेस और नेक को, एंड उसके बाद आपका फेशियल हो गया डन। अगर गाइस आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए तो आप आंखें बंद करके इस किट को बाय कर लीजिए और यूज़ कीजिए। अगर मेरे कहने पर आप इस किट को यूज़ करते हो तो यूज़ करने के बाद
आपका जो ऑनेस्ट रिव्यू होगा वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ऑलराइट यू गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपके साथ लॉटस हर्बल्स की वन टाइम फेशियल किट की अनबॉक्सिंग की एंड छोटा सा रिव्यू आपके साथ शेयर किया। चलिए गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ਦਿਲ ਦੇ ਆ ਮੋਮੇ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਕੱਪੀਆਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਰੂੜ ਥੋੜੇ ਆਰੂ ਘੰਟਿਆਂ।